एवरीवन, आज हम बना रहे हैं 2023 को गुड बाय करने के लिए एक ऐसी रेसिपी जो कि स्नैक्स में खाएंगे और बहुत मज़ा आएगा। सभी कुछ ना कुछ बना रहे होंगे अपने अपने घरों में, तो यूट्यूब एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम क्या बना रहे हैं उसको हम शेयर कर सकते हैं। तो मैंने बनाई है दो तरह की रेसिपी, एक नमकीन में स्नैक्स और एक मीठे में स्नैक्स। तो पहले मैं आज पार्ट वन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ नमकीन स्नैक्स, और पार्ट टू में शेयर करूँगी आपके साथ मीठा स्नैक्स। मीठा वाला जो है वो भी गुड़ से बनेगा, और इसको भी बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाया है, आटे से बना रहे हैं हम, इसमें कोई मैदे का यूज़ नहीं कर रहे। मैंने थोड़ी सी एक कटोरी मेथी ली थी, उसके पत्तों को निकाल लिया, धो लिया, और कढ़ाई में एक चम्मच तेल डाला, और उसमें थोड़ा सा इस मेथी को हमने हाई फ्लेम पर थोड़ा सा चला लेंगे, बस थोड़ा श्रिंक हो जाएगी, बंद कर देंगे। एक बड़े कटोरे से लिया है आटा, और उसमें थोड़ा सा सूजी भी डालेंगे। उस आटे में एक टीस्पून डाला है नमक, क्योंकि मेरी थोड़ा सा बड़ी है ना चम्मच, इसके हिसाब से थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा लाल मिर्च डाल रही हूँ जिससे कि कलर भी अच्छा आएगा और देख खाने में भी स्वाद बनेगी। थोड़ी सी लिया अजवाइन आधा टीस्पून, उसको हाथ से मसल के डाल दिया है, और 4 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून जो भी है आप इसमें, आपके पास अगर घी है वनस्पति तो वो डालिए, चाहे देसी घी डालिए। हमारे घर में देसी घी डाल के सब लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने रिफाइंड को ही डाला है। मिक्स कर लीजिएगा, जब बाइंडिंग होने लग जाए तो चेक कर लीजिएगा। और सूजी भी मैंने थोड़ी सी 2 चम्मच इसमें सूजी ली थी जो कि मोटी थी, इसलिए उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था और उसको भी ऐड कर लिया है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसमें मेथी जो है उसको भी ऐड कर लिया है। मेथी को क्योंकि हमने थोड़े से तेल में भूना है तो मेथी का जो कड़वापन है वो कम हो गया है। बस अब इस आटे का जो डो लगाना है हमने, इस सब मटेरियल का, इसको हमने पूरी के आटे से थोड़ा टाइट लगाना है। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन आप जितना अच्छा डो लगाएंगे उतना ही अच्छा आपका मेथी की जो मठरी है, पिन व्हील मठरी जो है वो बनकर निकलेगी। आटे को हमने टाइट टाइट गूंद दिया है, थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको 10-15 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए, मुलायम होने के लिए ढक कर साइड पर रख देंगे। तब तक हम एक काम करते हैं, क्यों ना इस पिन व्हील मठरी के लिए जो हमने साटा बनाना है वो बना लें। तो 2 चम्मच लिया है मैंने इसमें आटा, गेहूँ का आटा ही है और गेहूँ के आटे की ही ये रेसिपी बन रही है, और 4 चम्मच डाला है मैंने इसमें वेजिटेबल ऑयल। बहुत अच्छे से फिटेंगे, धीरे धीरे फेटते फेटते एकदम लूज हो जाएगा और अच्छा सा मुलायम सा बैटर बन जाएगा। तो बस अब हमने आटे को भी चेक कर लिया, 10 मिनट हो चुके हैं आटे को करे हुए। आटे को हम थोड़ा सा और हाथ से मसल लेंगे, थोड़ी सी मेहनत और करेंगे और अच्छा सा मुलायम कर लेंगे, और इसको 3-4 पीसेज में हम काट लेंगे। काट लिया, अब एक एक पीसेज 4 गोले बड़े बड़े गोले काट लिए हैं, अलग कर लिया हमने इसको। अब थोड़ा सा चिकना कर दिया हमने चकले को। चकले को चिकना करने के बाद हम एक पीस को लेके, अगर वो बहुत टाइट है तो बहुत गोल नहीं हो रहा है तो आप पहले इसे रफली थोड़ा सा ऐसे ही बेल लीजिए, उसके बाद आप अपनी हेल्प से, अपने हाथों की हेल्प से ही इसकी अच्छी सी शेप दे सकते हैं। मैंने इसे जैसे स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद हाथ की शेप से ही मैं इसको थोड़ा सा गोला कर रही हूँ। इस आटे को जो हमने बेलना है, जो हमने ये पूरी बेल बड़ा सा रोटी बेलनी है, ये हमने बहुत पतली भी नहीं करनी है, बहुत मोटी भी नहीं करनी है। और जो हमने साटा बनाया है उस साटे को हम उंगली की मदद से फैला लेंगे इसमें अच्छी तरह से, और उसके बाद हम इसे टाइटली खींच खींच के रोल करेंगे। रोल करके हाथ की मदद से हम इसको थोड़ा सा फैला लेंगे, और रोल हमारा टाइट ही होना चाहिए, लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर हमारा रोल टाइट बन रहा है तो ही हमारा ये आटा एकदम ठीक लगा है। बस अब ये इस तरह से हो गई, इसको एक हम अपनी हथेली की मदद से थोड़ा सा दबाएंगे, और थोड़ा सा दबाकर और हल्का सा हम इसको बहुत ही हल्के हाथ से थोड़ा सा बेल लेंगे। 1 या 2 बार बेलन चलाने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हमने सारी पूरी बेल ली है ये जो मठरी है। बस देखिए इसमें इतना अच्छा साटा लगने के बाद हुआ है कि ये बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है जैसे कि हम वो बना रहे होंगे लच्छा पराठा, लेकिन वैसा नहीं है, हम छोटे छोटे पिनव्हील मठरी बना रहे हैं। कढ़ाई को हमने बहुत अच्छे से तेल को गर्म कर लिया, उसके बाद हम उसका लो फ्लेम कर देंगे, और लो फ्लेम पर ही हमने ये पूरियाँ अपनी डालनी हैं। बस लो फ्लेम पर ही हम इसे बहुत पेशेंटली एकदम धैर्य के साथ फ्राई करेंगे, और जब ये थोड़ा फ्राई हो जाए तो आप फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर सकते हैं, लेकिन आपको लगातार चलाना होगा, नहीं तो क्योंकि ये आटा है, आटा बहुत जल्दी जलता है और आटा बहुत जल्दी कलर भी बदलता है। लो फ्लेम पर ही हम पेशेंटली इसको पूरा भून लेंगे और निकाल लेंगे। अच्छा सा सुगंध भी आने लग गई है इसमें मेथी की, और इसका कलर भी बहुत ही सुंदर हो गया है, हेल्दी भी है। आप इसे शाम को चाय के साथ, सुबह के नाश्ते में, सुबह खाली पेट हम चाय पीते हैं ना जो कि बहुत ही नुकसान देती है, उसके बजाय हम किसी चीज़ के साथ पिए तो वो हमें नुकसान कम देगी, इसको खा सकते हैं। बाहर से जो हम मठरी लाते हैं, क्या पता उसमें किस तरह का तेल मिलाया गया है, तो उससे मच बेटर है
कि हम घर पे बनी हुई कोई इस तरह का स्नैक्स खाएं। बस एक बार मैं आपको और करके दिखा रही हूँ, इसी तरह से सेम तरह से पूरा प्रोसेस को किया है। कढ़ाई को लो फ्लेम पर ही रखा है। अब हम इसके अंदर फिर से ये सेकेंड चांस वाला जो हमारी मठरियाँ है ना, पिनव्हील मठरी, इसको हम बेल रहे हैं और बेल कर इसको हम सेक लेंगे और सेक कर हम निकाल लेंगे। बस बस हमारी मठरी तैयार हो चुकी है और बस अब हम इसको चाय के साथ खाने के लिए तैयार है। गर्मा गर्म चाय के साथ खाइए, इंजॉय कीजिए। अचार रखना चाहें तो साथ में, बहुत सारे लोग इसके साथ आम का अचार भी खाते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट कीजिए।